नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। इटावा से कुछ ही दूरी पर कालीवाहन मंदिर के पास सिद्ध शनि धाम मंदिर से शनिचरी अमावस्या को बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। खबर हरपन चैनल के जिला संवाददाता चौभिनंदन जैन ने जाकर मंदिर के महंत चंद्रभान जौहरी से बातचीत की तो बताया, शाम का शनि भगवान के समक्ष हर शनिवार को हवन किया गया, जो आखिरी हवन 21 बार यह पूरे कोरोना काल में हुआ। शनि भगवान का चमत्कार देखने को मिला। लोग कहते कोरोना बढ़ेगा और जैसे जैसे हवन होता रहा वैसे वैसे कोरोना दूर भागता रहा। बहुत दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं, जो सच्चे मन भगवान के चरणों में फल समर्पित कर अपनी अर्जी लगाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। शनि अमावस्या का बहुत ही महत्व है, जो इस दिन शनि भगवान के दर्शन कर लेता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ देखने को मिली। वहीं शाम काल महाआरती और भंडारे का वितरण भी किया गया। इस शनि अमावस्या पे यहाँ पर 21वां भंडारा है कोरोना समाप्त करने के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो आप सब लोग जय शनि भगवान बोलिए। आप लोगों को पता हो मार्च के महीने में चैत में नवरात्र में सभी ने ये कहा था कोरोना पीक पर आएगा। तब मैंने भी कहा था कि आप सभी लोग मिलकर के शनि भगवान के दरबार में आकर के सिर्फ शनि यज्ञ कीजिएगा। मैं वादा करता हूँ जब 21 हवन हो जाएंगे आपकी इटावा से कोरोना जैसी महामारी खत्म हो जाएगी। आज शनि अमावस्या पर 21वां जब भंडारा है तो आप बताइए आपके इटावा में कितने कोरोना पेशेंट बताइए आप? अभी तो नहीं है। नहीं है ना, तो ये चमत्कार है सिद्ध शनि भगवान का। तो जो भी यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आता है, मुझे विश्वास है शनि महाराज पर, क्योंकि इनकी बहन यमुना मैया यहाँ पर है, यही गुरु माता कालीवा मैया, यहाँ जो आता है खाली हाथ कभी नहीं गया। अभी जो देवी जी गई उनको 15 साल वाला लड़का पैदा हुआ, उन्होंने खुद अपने लड़के का नाम लिखा, बोले गुरु जी तो शनि महाराज हैं, यानी शनिचर है। तो आप सोचो कि हंसी आती है बातें देख करके, क्या गजब ऐसा यहाँ का चमत्कार है। ऐसे ऐसे काम यहाँ पर होते हैं जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। तो 21वां जो आपका यज्ञ हुआ है उसके बाद आप निकले, भंडारा चल रहा, लॉकडाउन है, प्रशासन का पालन करते हुए सभी पूरा सैनिटाइज कराया, टेस्टिंग लगाई, 2 टीमें लगी थी टेस्टिंग, उसके बावजूद भी यहाँ को नहीं लगेगा लॉकडाउन। कितना भी मैंने प्रशासन से आते फिर भी इतने भक्तों की भीड़ है कि लोग आओ आओ लगे रहे, उन्हें मालूम है कि यहाँ जाएंगे तो मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, निरोगी काया रहेगी, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। सिर्फ प्रभु के दरबार में एक अन्न खाएंगे तो मन बदलेगा, खाओगे अन्न तो बदलेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चलेगा रंग।